दिव्यांग एसोसिएशन फॉर क्रिकेट द्वारा विश्व दिव्यांग दिवस के अवसर पर प्रदेश के दिव्यांग खिलाड़ियों की प्रतिभा को निखारने व उनके आत्मबल को बढ़ाने के उद्देश्य से रविवार को जोन क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन हाउसिंग बोर्ड भिलाई के क्रिकेट ग्राउंड में किया गया। इस मैच में दुर्ग जोन व रायपुर जोन के दिव्यांग क्रिकेट खिलाड़ियों का मुकाबला हुआ, जिसमें रायपुर जोन के खिलाड़ियों को विजयी घोषित किया गया। मैच के समापन पर विजयी खिलाड़ियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। नमस्कार, रायपुर जोन और दुर्ग जोन की दिव्यांग खिलाड़ियों की टीमें इस T20 क्रिकेट में भाग ले रही हैं, जिसमें संपूर्ण छत्तीसगढ़, जैसा मैंने अभी बताया था, अंबिकापुर, रायगढ़, बागबहरा, रायपुर, मुंगेली, बिलासपुर, भिलाई, रायपुर जैसे सभी स्थानों से, राजहरा, बालोद, इन स्थानों से दिव्यांग खिलाड़ी यहां पर उपस्थित हुए हैं, जिनको हमने विभाजित करके रायपुर जोन और दुर्ग जोन की टीमों में बांटा है, और जिसमें से काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करते हुए अभी दुर्ग जोन की टीम ने 156 रन बनाए 20 ओवर में, काफ़ी अच्छा स्कोर किया है और बहुत संघर्षपूर्ण मैच पीछे आप देख रहे हैं चल रहा होगा। एसोसिएशन उद्देश्य क्या लेके चलता है? एसोसिएशन पहला उद्देश्य तो ये है कि जो शारीरिक दुर्बलता हम लोगों में है, उस शारीरिक दुर्बलता को ख़त्म करते हुए वो खिलाड़ी ग्राउंड में पहुँचे, अपने आप को कमज़ोर ना समझे। अब उनको अपना एक ग्रुप मिलता है तो वो बच्चा भी मायूस रहता है, कई बार नहीं खेल पाता है, तो उसको एक मंच प्रदान करना है। ये इस क्रिकेट का उद्देश्य है कि दिव्यांग खिलाड़ी बाहर आएँ, घर से मन छोटा ना करें, जिसको खेलने की इच्छा है खेलें हमारे साथ। कितने दिन का रहेगा मैच? आज ये एक मैच है, वैसे हर महीने हम इस मैच का आयोजन करेंगे अलग अलग जोन के साथ। और विजयी प्रतिभागियों को जो टीम है उनको क्या है पुरस्कृत? विजयी प्रतिभागियों के लिए अभी हम लोगों ने ट्रॉफीज, मेडल्स, इसकी व्यवस्था की है। अगले जो मैचेस होंगे उसमें हम उनके नगद पुरस्कार की भी घोषणा करेंगे। दिव्यांग क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसके बैनर तले ये सब काम हम कर रहे हैं छत्तीसगढ़ में, उनका निर्देश है कि खिलाड़ियों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा प्रदान की जाए। आपका परिचय? अभी सरकार की ओर से, छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से, स्थानीय सरकार को कुछ आप लोग को सहयोग मिला है? अभी वैसे सरकार की ओर से प्रत्यक्ष सहयोग तो प्राप्त नहीं हुआ है, मगर अगर इस पर्टिकुलर ग्राउंड की बात करें तो जो यहाँ का निकाय है, जो यहाँ के पार्षद हैं, श्री नीतीश यादव जी और धर्मेंद्र यादव जी सुबह आए थे, उन्होंने टॉस किया, संपन्न किया, हमें सारी सुविधा यहाँ पर प्रदान करके दी। जैसा आप देख रहे होंगे मैच में इतना सुंदर डिस्प्ले है, ये सारी व्यवस्था हमको प्रदान करके दी है। लेकिन मेरा अनुरोध है कि सरकार इस दिशा में ज़रूर सोचे और हमें अपने मेन स्ट्रीम में भी शामिल करते हुए इन खिलाड़ियों के लिए आगे बढ़ने का रास्ता प्रदान करें। हर्ष का विषय है मेरे लिए, क्योंकि मैं जो क्रिकेट खेलता था तो यहीं से मैंने क्रिकेट खेलता था, और आज मैं इन बच्चों को यहाँ खेलते हुए देखकर अति प्रसन्नता मुझे मिल रही है। और सबसे बड़ी बात है कि आज जो हमारे कोच थे, जिनको मेरे जो मेरे आदर्श से रोल मॉडल थे, जनाब सुहान सर इस समय यहाँ मौजूद हैं, जिनका मैं शिष्य रहा हूँ और हमेशा से, और यहाँ मैंने विकलांगों के साथ हमेशा इससे जुड़ा रहा हूँ, क्योंकि मेरी बड़ी दिल की तमन्ना यही है कि ये बच्चे अपने आप को हैंडीकैप ना सोचे, क्योंकि हैंडीकैप तो हर कोई है, लेकिन इनके बच्चों के जो हौसले हैं इतने बुलंद हैं। और जो सलीम जो सेक्रेटरी है छत्तीसगढ़ क्रिकेट एसोसिएशन की, उन्होंने जो मुझे बताया कि होने वाला है मैच, तो मैं तुरंत आ गया, और ये जो चीज़ें हैं बराबर होती रहनी चाहिए ताकि बच्चों को प्रोत्साहन मिले। और हम सब नगरवासियों का ये कर्तव्य है कि हम जितनी मदद हो सके इन बच्चों की करें, और इनकी जो कोशिशें हैं उसको बरकरार रखें और इनको बुलंदी पहुँचाएँ। शुक्रिया।